हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे अनदर ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं गोरखनाथ, वहाँ जाके ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे गोरखनाथ जी के बारे में क्या क्या लिखा भी हुआ है वहाँ पे। और आपने सुना होगा तो आप आइएगा, भी विजिट करिएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ पड़ता है मंदिर बाबा गोरखनाथ, और यहाँ से मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो भी वहीं के हैं। तो वीडियो शुरू कर दे हैं। तो गुड मॉर्निंग गोरखपुर, हम आ चुके हैं गोरखनाथ टेंपल। ये कहा जाता है बाबा योगी आदित्यनाथ भी ना, यहाँ से बाबा योगी आदित्यनाथ भी है। तो हम लोग यहाँ का आपको पूरा फुटेज वीडियो दिखाएंगे, कैसे आना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। पहले हम आते थे गोरखनाथ, वो नहीं सर दुकानदार लोग हमको ना पहचानता हूँ। हम लोग अब जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने भीड़ है, और इधर श्रद्धालु आते रहते हैं तो यहाँ पे भीड़ आपको मिलता रहेगा। भीड़ कभी होता है यहाँ पे 12 से 8 बजे, तो 12 से 8 बजे तक यहाँ पे भीड़ है। गोरखपुर में पड़ता है गोरखनाथ मंदिर, यहाँ पे ज्यादा भीड़ है। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे यहाँ पे मंदिर का कपाट और जो एंट्री गेट है वहाँ। तो अंदर आने के पहले आपको चेक कराना है यहाँ पे, जैसे कि हर मंदिर में होता है, बड़े मंदिर में होता है। तो गोरखनाथ अभी पूछ ही रहा था कि वो बताए पुलिस वाले ने कि अंदर अलाउड नहीं है फोटो, लेकिन देख लेते जहाँ भी अलाउ है वहाँ का हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए नदी भी है, इस साइड लोग हैं यहाँ पे खड़े। तो एकदम फेमस मंदिर है यहाँ पे, आप एनी टाइम आओ, कभी भी आओ, बंद नहीं होता ना कभी, तो कभी बंद नहीं होता है। जैसे कोरोना में तो सब जगह बंद था, मंदिर पूरा बंद था, यहाँ पे कोई बंदी नहीं है। हम आगे की तरफ दिखाएंगे कि मेरे पीछे के साइड देखिए, आगे की तरफ कैमरा करके मैं आपको दिखा दूँ। तो गाइस ये बताया जा रहा है कि भीम बाबा है जो अंदर लेटे रहते हैं। अंदर का मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा योगी जी का दिखा, ये साइड गोरखनाथ मंदिर और इस साइड जो है वो हनुमान मंदिर है। बाहर का बाहर से दिखाएंगे कि अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ। अंदर जाके मैं पूजा करता हूँ। जो दिख रहे हैं आप गुलाबी कलर का, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। हम आगे भी चलेंगे, यहाँ पे भी दिखे, ये भी है अंदर। बाजू बाजू में सब टेम्पल मिलेंगे आपको, अवैधनाथ महाराज जी। ये भी गोरखनाथ के अंदर एक और टेम्पल है, देखिए आप। नहीं महाराज ये भी है, कोई है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बताया जाता है ये भी एक महाराज है गोरखनाथ के अंदर टेम्पल वाला। और भी आगे हम बढ़ते हैं। Thank you.
तो समाधि का एरिया बताया जा रहा जो आप देख रहे हैं वहां पे, मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको वापस, वो समाधि है ना। तो अभी गोरखनाथ जी का हम दिखाने के बाद पीछे से अभी जा रहे आगे, तो ये बता रहे थे कि आगे शादी समारोह भी होता है इसके अंदर, जो कुछ है वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं हम। वीडियो पे बने ही रहिए आप, क्योंकि अंदर आने के बाद आपको पता तो चलेगा गोरखनाथ में और क्या क्या है देखने लायक। क्योंकि गोरखनाथ के अंदर है आप देख सकते हैं, जैसे कि हिंदू सेवा आश्रम लिखा हुआ धर्मशाला है किसी चीज का। अब गोरखपुर में रहते तो कमेंट करके बताइए कि हाँ ये देखा हुआ चीज है यहाँ पे। तो ये सब था गोरखनाथ के अंदर, गोरखनाथ मंदिर के अंदर तो शादी का समारोह का देखिए आप पीछे देख सकते हैं। तो गोरखनाथ में अगर आप आओ तो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा मार्केट है, कभी भी आओ, एनी टाइम आओ, रिलैक्स होके आओ, यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहता है। तो वीडियो में इतना ही छोटा सा वीडियो था मेरा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट करके बताए कैसा वीडियो था। तो आज बस इतना ही आज के लिए, आओ श्रद्धालु पर ध्यान दे। एक बच्ची उम्र लगभग 2-2.5 साल, उम्र लगभग 3.5 साल। तो ये था गोरखनाथ। महिला अंगाड़